हमदर्दा कौमी मूवमेंट के MNA सैयद तैयब हुसैन ने डिविजनल कमिश्नर हैदराबाद अहमद बख्श तारीजो के हमरा लतीफाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बरसाती पानी की निकासी के काम का मुआयना किया। इस मौके पर मुतहदा कौमी मूवमेंट के रुकन कौमी असम्बली सैयद तैयब हुसैन ने बताया कि लतीफाबाद समेत जिले के मुख्तलिफ इलाकों में पंपिंग स्टेशन की तादाद बढ़ाने से निकासियात का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो जाएगा। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद आका शाह नवाज बाबर, एडमिनिस्ट्रेटर HMC काशिफ अहमद सदीकी, म्यूनसिपल कमिश्नर हैदराबाद अजहर कादिर मेमन, MD वासा सलीमुद्दीन के अलावा दीगर मुतलिक अफसरान ने भी उनके हमरा शिरकत की। इस मौके पर मौजूद लोगों से बातें करते हुए MNA सैयद तैयब हुसैन ने कहा कि जहरी अल्ताफ हुसैन हैदराबाद के शहरियों से प्यार करते हैं और यही वजह है कि MQM हैदराबाद के शहरियों को सहूलियात फ्राहम करने और उनकी शिकायत हल करने को तरजीह देती है। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर हैदराबाद अहमद बख्श ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सिंध हुकूमत की खसूसी हिदायत पर हैदराबाद में हालिया बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने और पानी के साथ समेत दीगर उमूर की कड़ी निगरानी की जा रही है।